आज अखबार पढ़ा मैंने, और अखबार में एक खबर आई थी आज कि नोएडा के अंदर ट्विन टावर को गिराया जाएगा, उनको ध्वस्त किया जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये टावर क्यों गिराए जा रहे हैं, इनके पीछे रीजन क्या है। हालांकि आपको पता है इसमें एक ही बात है कि जिसने टावर बनाएंगे कंपनी ने, उस कंपनी ने नियमों को ताक पर करके ये टावर बनाई थी। और इनको पता ही आपको, ये दो हैं टावर पास पास में, एक में 32 मंजिल है, एक में 29 मंजिल है। इनकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। सरकार इनको ने इनको गिराने का डिसीजन ले लिया है और आज इनको गिरा दिया जाएगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सरकार को इन्हें गिराना चाहिए था या नहीं गिराना चाहिए था। हालांकि आप में से 99% ये मानते होंगे कि सरकार ने जो लिया डिसीजन वो ठीक लिया है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। और मेरा मानना यह है कि ये डिसीजन थोड़ा गलत है। क्यों, मैं बताता हूं उसके पीछे रीजंस क्या है। पहले तो आपको बता दूं कि अब ये टावर जो गिराई जाएंगी इसके लिए आज क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाई जोन का एरिया बनाया गया है, कोई हवाई जहाज वहां से नहीं गुजरेगा। दूसरा वहां किया गया है कि वहां का जो पानी और लाइट की सप्लाई है वो काट दी है। आसपास की कॉलोनी में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको वहां शिफ्ट कर दिया गया है। और वहां से जो टावर जब गिरेगी तो उसमें से जो धूल धुआं धुक्कड़ जो निकलेगी, धुंध निकलेगी, वो उससे आसपास की कॉलोनी में पॉल्यूशन फैलेगा, बहुत लार्ज स्केल पर फैलेगा वो। और उसमें जो कॉस्ट आई है वो दोनों ट्विन टावर के अंदर वो 750 करोड़ रुपए की लागत से एक ट्विन टावर बनी थी। इसमें करीब 4600 से ज्यादा फ्लैट हैं इसके अंदर, और आज इनको मात्र 13 सेकंड के अंदर ध्वस्त कर दिया जाएगा, जमीन में मिला दिया जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा मानना यह है कि सरकार को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, सरकार को ये ट्विन टावर नहीं गिराना चाहिए था। अब आप पूछोगे फिर क्या करती सरकार, सरकार के पास बहुत अच्छा ऑप्शन था। जिस व्यक्ति ने, जिस कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर के बनाई थी ट्विन टावर, उसको जो भी आपका लॉ एक्ट कहता है उसका आधार पर उनको सजा देते आप, जेल भेजिए आप, जो भी प्रोविजन है आप कीजिए आप। पर इनको मिलाने से क्या मिलेगा, इनको मिट्टी मिला दो आप मिट्टी को। इनकी 750 करोड़ रुपए की जो लागत थी, 750 करोड़ रुपए को आप मिट्टी मिला दोगे, उसके बाद जो मिट्टी में मिलाने के बाद जो मलबा होगा, मलबा को हटाने में आपके 17.5 करोड़ रुपए और लगाओगे, दूसरा खर्चा यहां होगा आपका। अब देखिए बुद्धिमानी किसमें होती, जो पहला स्टेप मेरे विचार से, जो मेरा मानना है, और आप इससे निश्चित तौर पर आप सहमत हो गए, आप देश के अंदर गरीबी है, बेरोजगारी है बहुत ज्यादा देश के अंदर, हमारा देश अभी इतना अमीर नहीं है। तो हमारे पास मौका था कि इसके अंदर जो फ्लैट है करीब 4600 से ज्यादा है वो उनको नीलामी करती सरकार, और एक एक फ्लैट करोड़ों का जाता, सरकार की इनकम अरबों में होती, वो जो सरकार की इनकम होती अरबों में उसको देश के विकास के कामों पर लगाया जाता। उसके हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन थे, वहां लगाते हम, डिफेंस के लिए हथियार दे सकते थे हम, और भी दूसरा ऑप्शन मेरे सामने जो आप बताता हूं। हमारे देश के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास आवास नहीं, गरीब है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसको कन्वर्ट कर देते आप, जो गरीब हैं उनको आप फ्री में दे सकते थे आप, पर नहीं किया सरकार ने। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, आप समाज से पूछिए बात कि 750 करोड़ रुपए की लागत से जो बनाए गए उसको मिट्टी में मिलाने से बेहतर, जो मैंने आप बताया ऑप्शन कि नीलामी के द्वारा अरबों रुपए कमाते, देश के विकास में लगाते, गरीबी बेरोजगारी को मिटाने में आपकी सहायता मिलती, वो तो आपने किया नहीं, बल्कि उनको आपने ढा करके उनको मिट्टी मिला दिया। और जो गरीब है हमारे यहां उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको आप दे सकते थे, उनको आशियाना मिल जाता अपना परिवार को रखने के लिए। तो मैंने आपको जो विचार तो बताए मैंने आपको ट्विन टावर के बारे में, ढाने जो का जो डिसीजन लिया है वो गलत है, सही है, और भी क्या ऑप्शन हो सकता था ढाने के अलावा, आप मुझे कॉमेंट के माध्यम से बताएं। और मैंने जो वीडियो में बातें बताई है इसको समाज में शेयर करें कि जो पैसा था उसको, पैसे को मिट्टी में न मिलाया जाए, उस पैसे को देश के विकास में लगाया जाए।
जय हिंद, जय भारत।